So good evening to all of you and welcome back to my lecture. And uh, today's our topic is in fact we are starting a new chapter: Organic compounds containing nitrogen. This is very, very important chapter from exam point of view, not only from the board's exam, but as well as from your goods goods skate or JAA. This chapter has lots of weightage in each exam. <laughs> anyway.

see all of us we know structure of ammonia is like this nitrogen undergoes sp3 hybridization and nitrogen undergoes sp3 hybridization and it has tetrahedral structure इट हैजट्राहाइड्रोस्ट्रक्चर एंड इन दिस टेट्राहाइड्रोस्ट्रक्चर देर आर फोर ऑर्बिटल आउट ऑफ दोस फोर ऑर्बिटल वन ऑर्बिटल कंटेंट्स नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग थ्री कंटेंट्स बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन दे आर गोइंग टू प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू फॉर्म ए बॉन्ड विद हाइड्रोजन वन इज ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आइटम ठीक है ये हमको पता है उसके बाद होता क्या है जो हमको पढ़ाई करना वो है वह ऐसा है सपोज इसका वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज बींग रिप्लेस ऑर्गेनिक ग्रुप आर आर में जो आर है आपके पास वो अल्काइल भी हो सकता है आराइल भी हो सकता है अगर एक हाइड्रोजन आर से रिप्लेस करते हो तो आपको जो कंपाउंड मिलता है उसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल ओ वो हर कि विल कंटिन्यू पता इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलेंगे एंड जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूं यहां पर कि अगर ये आर जो है वो सी एच थ्री है देन वी हैव सी एन एच टू देन वी कॉल इट मिथाइल अमाइन और अगर इसकी जगह पे आर इथाइल ग्रुप होता देन ऑब्वियसली वी विल कॉल इट थाइल अमाइन याद रखना है कि अगर नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप या तो ऑराइल ग्रुप जुड़ता है देन वी कॉल देम प्राइमरी अमाइंस देन वी कॉल दम प्राइमरी अमाइंस सिमिलरली इफ टू ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हियर इफ दे आर बींग रिप्लेस बाई टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स देन वी हैव सेकेंडरी अमाइन एन एग्जाम्पल सी ए थ्री एन एच सी ए कॉल देम डाई मिथाइल अर इफ आई गिव अनदर एग्जाम्पल एक साइड पे मिथाइल लग रहा है एक साइड पे इथाइल लग रहा है देन वी कॉल इट

अगर एन है और तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है देन वी कॉल इट टर्सेरियामाइंस एग्जाम्पल ट्राई मिथाइल माइन व्हाट डू वी हैव इज प्राइम मिथाइल अमाइन इज दिस अंडरस्टूड वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन अब प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन ये क्लासिफिकेशन दूसरे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी से अलग है सी अब तक हमने जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देखे थे वो इस तरीके से हुआ करते थे कि सपोज आपके पास एक ऐसा कोई ग्रुप है हम हम हमेशा ये देखते थे कि जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो दो से जुड़ा हुआ है देन वी टू कॉल इट सेकेंडरी अगर वो तीन से जुड़ा हुआ होता तो क्या बोलते थे टर्शियरी अगर वो एक से ही जुड़ा हुआ होता तो क्या बोलते थे प्राइमरी सो so, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है वो बोलते थे चाहे वो हेलोजन हो चाहे अल्कोहल हो चाहे दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो बट जब अमोनिया की या तो अमाइंस की बात आती है अमाइंस में डिफरेंट है amines में नाइट्रोजन के साथ कितने आपके अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए उसके बेस पे हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी ग्रुप आते हैं इज दिस अंडरस्टूड ये समझ में आ रहा है लेट सी वॉट डज योर टेक्स्ट बुक कम्स द फर्स्ट टॉपिक इन टेक्स्ट बुक इट से ऑफ अमाइन कंपर्ट In the amine class of compounds, mainly carbon, hydrogen, and nitrogen elements are present. amine can nitrogen, hydrogen, and carbon normally present triangle One, two, or all the three Hydrogen present in ammonia, they, they are displaced by either alkyl group or aryl groups. Depending upon that, how many hydrogens are replaced or displaced, we call them primary, secondary, and tertiary however the structure of any amine is like this nitrogen always go through sp3 hybridization and it does make one two and three three sigma bonds with alkyl groups aryl groups or maybe hydrogen depends and it has one non bonding pair of electron since

ट्राइंगुलर बेस एंड ये उसका पिरामिड बन गया यू कैन सी दैट करेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंड यहाँ का एंगल वन जीरो एट है वन ऑफ द रीजन बिकॉज दिस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोइंग टू रिपेल दिस अल्काइल ग्रुप इन मच हायर वे। अगर मिथाइल की जगह पे इथाइल होता तो शायद बॉन्ड एंगल चेंज होता बट नॉर्मली इट्स नियरर टू दिस बिकॉज एसपी थ्री हाइब्रिटाइजेशन होता है आपको समझ में आ रहा है हाँ या ना बराबर है ना ओके विल कंटिन्यू फॉर एस आई हैड ऑलरेडी क्लासिफाइड दिस पार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन कंपाउंड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल अराइल ग्रुप्स कंबाइंड विथ नाइट्रोजन और अमीना ग्रुप एस आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इफ नाइट्रोजन के साथ वन अल्काइल या आयल ग्रुप जुड़ता है देन उसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं अगर दो अल्काइल या आर ग्रुप जुड़ेंगे देन वी कॉल इट सेकेंडरी एंड अगर तीन जुड़ते हैं देन वी कॉल इट टर्सरी दे आर इन डिफरेंट वे सेंगे ओके अगर आपके पास अमोनिया है उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया आर एन एस टू मिला वी कॉल इट प्राइमरी अमाइन देखिए दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए वी कॉल इट सेकेंडरी अमाइन एंड तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए टर्सरी अमाइन करेक्ट नॉ ना क्वेश्चन एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारी टेक्स्ट बुक में आता है कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है गलती से जानबूझकर ओके बिकॉज ऑफ रिएक्शन वी डोंट नो बट समथिंग कंटेनर के अंदर प्राइमरी अमाइन भी है सेकेंडरी अमाइन भी है एंड अमाइन भी है मतलब दिस कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन और हमको जो टास्क दिया गया है वो ये है कि इसको सेपरेट करो सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन हम सोल्व करें या नहीं करें बट देर वॉज अ साइंटिस्ट इसको हिंसबर्ग उन्होंने जरूर सोल्व करके दिया है एंड आई एम टीच यू दैट बट इन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ माइंड Not in this topic. Let me save this.